हे एवरी वन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल सो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट टाइम आई शेयर हाउ आई एंडेड अप स्टाइलिंग द सारी दैट वी हैड क्रिएटेड फ्राम स्क्रैच सो दिस इज द मेकअप लुक दैट आई केम अप विद इट इज सॉफ्ट बट ग्लैमरस एट द सेम टाइम एटलीस्ट इट्स ग्लैमरस दैन वॉट आई यूजअली डू तो आइए दिखाती हूँ कैसे मैंने ये ताम झाम बनाया ऑल्सो एट द एंड ऑफ द वीडियो आई टाक अबाउट द ब्लाउज द जूलरी द हेयर डू सो स्टे ट्यून टिल द end now i'm starting off with a primer this is the Farsali skin tune blur actually this is my first time trying this product me purana wala primer ho gaya tha, so i thought let me try this baby out because a lot of beauty gurus rave about it so here i'm just massaging it all over the face um, i'm not really sure how i feel about this at the moment because mujhe koi considerable difference lag raha after applying it and also a bottle sirf 1700 की आई है ये नन्ही सी छोटी सी बॉटल सो टू टेल यू द ट्रूथ आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ मेरिकल बट लेट्स सी मे बी एक दो बार और ट्राई करूँगी इट विल गेट बेटर Now, since I wasn't satisfied with it, I applied another primer on top. This is the NYX Angel Veil Primer. You have seen that this baby is loved, and actually, this is That is why I bought the Farsali one. So, here I am applying the last bit that I can get out of this tube. Now, I wanted the primer to settle in the skin a bit before I go for foundation. Now, since my sari is in this gorgeous blush pink color, I thought blush palette could. यूज करते हैं एज एन आई शेडो सो हियर आई एम यूजिंग मिक्सचर ऑफ दिज टू शेड्स फ्रॉम दाम कॉस्मेटिकलर इन द्रीज टिल आई एम है कलर इनटेंसिटी नेक्स्ट आई पिकडअपेड फ्रॉम द माई ग्लैम पैलेट अब यहां में चाहती थी कि शिमर अच्छे से शाइन करे सो वट आई डिड इज आई स्टार्ट इट स्प्रिंट द ब्रश विद बिट ऑफ सेटिंग स्प्रे बट आप पानी भी यूज कर सकते हो आई हैव यूज इट मल्टीपल टाइम्स एंड आई सी नो डिफरेंस फिर मैंने अच्छे से दो तीन कोट्स लगाए ऑन द आईलेड एंड फिर ये वाला कलर लिया फ्रॉम द सेम ब्लश पैलेट टू ब्लेंड द होल थिंग आउट अब यहाँ पर मुझे ऐसा लगने लगा कि वो जो मैंने शिमरी पिंक आई शेडो लगाया था वो पैची लग रहा है सो यू नो इन अ फ्लूक आई थॉट चलो फिंगर से ब्लेंड करने की कोशिश करती हूँ एंड गेस वॉट इट वर्क <laughs> मैंने एक्चुअली काफ़ी ब्यूटी वीडियोज में देखा है जहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं कि कुछ शिमर्स होते हैं जो उंगलियों से अच्छे लगते हैं सो आई गेस दिस इज वन ऑफ दो नाउ वंस आई हैड ब्लेंडेड द होल थिंग टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज आई थॉट आई से अब थोड़ा ब्रेक लेती हूँ एंड फाउंडेशन लगाती हूँ सो ही और आई एम अपलाइंग द मिलानी कंसील एंडफेक्ट फाउंडेशन ऐसा ही कुछ नाम है इसका एंड आई एम यूजिंग दिस पंच बाई काला टू द होल थिंग यहाँ पर हो सकता है आपको ऐसा लगे कि ये फाउंडेशन मेरी स्किन टोन के लिए थोड़ा सा लाइट है बट आप पाँच सात मिनट में देखना ऑक्सीडाइज होकर ये बिल्कुल परफेक्ट लगेगा नेक्स्ट मैंने एले गर्ल का कंसीलर लगाया टू कैंसिल आउट द डार्कनेस अंडर माय आइज थोड़ा सा स्माइल लाइंस पे या जहाँ पे भी मुझे ऐसा लग रहा था ब्लैक स्पॉट है मैं यूजली ये स्टेप फाउंडेशन लगाने से पहले करती हूँ बट आज मैं भूल गई तो मैंने सोचा फाउंडेशन के बाद कर लेती हूँ सो वंस आई हैड ब्लेंडेड दिस कंसीलर मैंने थोड़ा उाइल फाउंडेशन फिर लगाया जस्ट टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज ईवन एंड कवर्ड नाउ सिंस दिस फाउंडेशन वर्क एज अ कंसीलर एज वेल तो मैं इसको आंखों के नीचे भी लगा लेती हूँ, अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ. एंड मैं कोई अलग से कंसीलर यूज नहीं करती नेक्स्ट आई एम सेटिंग द फाउंडेशन विद फिक्स प्लस इससे फाउंडेशन बिल्कुल मूव नहीं होगा एंड इट लुक ग्लोई एज वेल नेक्स्ट आई सेट माई अंडर आइज विदर बाई मेकअप रेवोल्यूशन नाउ एट दिस पॉइंट आई वॉज लाइक लेट मी कंप्लीट माई आईज फर्स्ट फिर बचा हुआ ब्लश ब्रॉन्जर लास्ट में करूंगी सो हियर आई एम मेकिंगे टाइट लाइन द अपर वाटर लाइन नेक्स्ट आई एम यूजिंग अ न्यूड पेंसिल ऑन द लोअर वाटर लाइन जस्ट टू मेक द आईज लुक बिगर एंड ब्यूटिफुल दिस पेंसिल इज बाय रिमूल एंड इट हैज टू बी वन ऑफ द बेस्ट न्यूड पेंसिल्स आई हैव एवर यूज फिर मुझे लगा थोड़ा सा स्मोकआउट करती हूं लोअर लास्ट लाइन को तो मैंने सेम ब्लश पैलेट से वही मिक्सचर ऑफ कलर्स उठाया एंड ही यर आई हैव पिंचड माई ब्रश अ लिटल और फिर लोअर लैश लाइन पर आई शेडो अप्लाई करा एक्चुअली दिस इज अ ग्रेट हैक अगर आपको लोअर लैश लाइन के लिए कोई छोटा ब्रश नहीं मिल रहा तो जो एग्जिस्टिंग फ्लफी ब्रश है उसको पिंच करो एंड यू कैन अप्लाई इट वेरी इजीली नेक्स्ट आई एम कर्लिंग माई लैशेज एंड आई एम ऑल्सो एडिंग अ लिटिल बिट ऑफ हाईलाइटर ऑन माई ब्राउ बोन दिस इज अ मैरी लूमेनाइजर हाईलाइटर Next was the time to apply false eyelashes. स्पेशल ओकेजन्स पर फॉल्स आई लैशेज़ लगाती हूँ तो मैं बहुत नर्वस थी बिकॉज़ कई बार मैंने आई लैशेज़ लगाई है और मेरा पूरा आई मेकअप खराब हो जाता है क्योंकि आई लैशेज़ ढंग से नहीं लगती सो वॉट आई एम डूइंग हियर इज़ एक्चुअली पहले मैं आई लैशेज़ का नाम बताती हूँ आई एम अप्लाइंग द हुडा ब्यूटी आई लैशेज़ इन द स्टाइल समैन था सो वॉट आई एम डूइंग इज़ कि मैंने लैश ग्लो को आईलेड पर लगाया इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग इट ऑन द आई लैशेज़ एक्चुअली दिस इज़ अ ग्रेट हैक दैट आई स्मिता दीपक channel she said that if you struggle with applying falsies apply the glue on your lid instead of the lashes and aapko koi problem nahi hogi guess what this hack worked परफेक्टली फॉर मी एंड मैंने काफ़ी आराम से आई लैशेज लगा ली इन फैक्ट इफ़ यू टू स्ट्रगल जरूर एक बार ट्राई करना ये वाला प्रोसेस सो हियर आम जस्ट मेकिंग श्योर कि दोनों आई लैशज ईवन है एंड दे आर सिक्योर्ड प्रॉपरली न वन थिंग आई हैव सीन ब्यूटी गुरूज डू इज़ दैट दे अप्लाई अ ब्लैक आई लाइनर ऑन टॉप ऑफ द लैश बैंड फॉर अ पॉलिश एंड क्लीन लुक सो हियर इज़ माई नाइव अटैम्प्ट एट इट आई डोंट नो कि बाकी इन्फ्लुंसर्स कैसे इतनी आराम से कर लेते हैं बिकॉज इतनी बड़ी आई लैशेज लगाने के बाद दिखता कहाँ है कि आई लाइनर कहाँ लगाना है तो यहाँ मैंने जैसे तैसे लगा पाई आई डिडिट एंड फिर मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरी लोअर लैश लाइन सूनी लग रही है तो फिर मैंने एक ब्राउन काजल लगाया एक्चुअली मैं ब्लैक भी लगा सकती थी बट ब्लैक से थोड़ा इंटेंस इफेक्ट आता है आई वॉन्ट इट अ लिटिल सॉफ्ट इफेक्ट इसलिए मैंने ब्राउन काजल लगाया दिस पेंसिल इज़ बाय रिमो जलर लैस लाइन एक्चुअली लोअर लैशेज एंड दस आई ऑफ़ रिलीफ की सब कुछ अच्छे से हो गया लैशेज अच्छे से लग गई आई मेकअप हो गया ओ माई गॉड आई कैन डाईन पीस नाउ बस अब ब्लश लगाना था दिस इज द मेबिलीन फ्लश स्टेक एंड देन आई एड एड ब्रॉन्जर दिस वन इज बाय फिजिशियंस फॉर्मिला इसको दट हॉलोज ऑफ द चीक्स पे लगाया आप थोड़ा सा फोर हेड पर लगाया जॉ लाइन पर लगाया द यूजल एरियाज एंड दिस इज द पॉइंट आई रियलाइज कि मैंने आईब्रोज तो फिल करी ही नहीं मुझे ऐसा लग रहा था सब कुछ हो गया बस लिपस्टिक लगानी है बट या सो हियर आई एम टेस्टिंग आउट अनदर न्यू प्रोडक्ट जब मैंने फर्स्ट साली का प्राइमर खरीदा था आई ऑल्सो बॉट दिस बेनिफिड गोव प्रूफ पेंसिल दैट एवरी ब्लॉगर एंड हर डॉग यूजेज सो इट टेक अ वाइल फॉर मी टू गेट अ हैंग ऑफ दिस प्रोडक्ट बट हियर एम जस्ट ट्राइंग टू इंश्योर कि मेरी दोनों आईब्रोज एट लीस्ट कजन सिस्टर्स तो लगे फाइनली इट इज टाइम फॉर लिप स्टिक्स आई एम यूजिंग द नाइका लिप क्रे ऑन इन द शेड पिंक ऑन फ्लिक दिस इज़ अ ब्यूटिफुल पिंक कलर बट मुझे ऐसा लगने लगा कि ये ज्यादा पिंक हो गया आई वॉन्टेड अ म्यूटेड पिंक सो वट आई डिड इज आई टुक दिस क्लेयर लिप क्रीम इन द शेड थर्टी वन एंड दिस टू आई फील आर द परफेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर दिस काइंड ऑफ अ सारी बिकॉज ये बहुत ज्यादा पिंक नहीं है बहुत ज्यादा न्यूज It just complements the saree beautifully. Now is the time for jewelry and the rest of the shebang. So here I am in the outfit. काफ़ी अच्छा लग रहा है इफ़ आई so <laughs> से सो टू माई सेल्फ एंड जस्ट एडिंग सम हाईलाइटर ऑन टू द कॉलर बोन्स बिफोर आई वेयर माई मंगलसूत्र मुझसे काफ़ी बार पूछा जाता है कि आपने मंगलसूत्र कहाँ से लिया है एक्चुअली दिस इज़ अ कुंदन मंगलसूत्र दिस इज़ नॉट गोल्ड एंड आई वॉट इड फ्राम अ जूलर दिस इज़ इन एक्सपेंसिव एटलीस्ट गोल्ड के मंगलसूत्र से तो बहुत सस्ता है एंड आई थिंक इट इज़ परफेक्ट फॉर डेली वेयर बिकॉज अगर ये खो भी जाए तो uh, ज़्यादा बुरा नहीं लगेगा एंड देन आई पॉपडॉन अ बिंदी एंड अप्लाइड अ लिक्विड सिंदूर थोड़ा सा यहाँ पर फैल गया तो मैंने टिश्यू से क्लीन करने की कोशिश की एंड फिर मैंने एक बड़ी सी रिंग पहन ली और ये प्यारी सी चांद बालीस पहन ली आई थिंक दे एड द परफेक्ट अमाउंट ऑफ ग्लैमर एंड टू माई लुक मैं बहुत ज़्यादा हैवी नहीं करना चाहती थी बट बहुत ज़्यादा सिंपल भी नहीं रखना चाहती थी सो दिस इज़ द अरेंजमेंट दैट आई सेटल्ड विद एंड हियर आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट कि बाल कैसे रखूँ क्योंकि मैं पूरी चांद कान बाली छुपाना भी नहीं चाहती थी जूड़ा भी नहीं बनाना चाहती थी सो so मैंने कान के पीछे बाल कर लिए और थोड़े से फ्लफ आउट कर लिए सो दिस इज इट मैंने ब्लाउज के बारे में एक्चुअली आपको नहीं बताया ब्लाउज मैंने बिल्कुल वैसे ही डिजाइन में सिलवाया है जैसे मेरा ब्लैक जारा का ब्लाउज था आई नो आई एम इन दिस डिजाइन कम्प्लीटली जैसे एक पॉइंट आया था जब मैं एंकल लेंथ स्लीव के ब्लाउज़ बनवा रही थी एंकल लेंथ ओ मै गॉड एल्बो लेंथ एल्बो लेंथ के स्लीवस बनवा रही थी एंड मेरे वेडिंग ट्रूज़ों में सारी साड़ीज़ इसी ब्लाउज़ डिज़ाइन की हैं बट फिर मैंने ये ज़ारा का ब्लाउज डिस्कवर करा तो मुझे आजकल ये डिज़ाइन अच्छा लग रहा है एंड श्योर sure ये साइकिल चलती रहेगी फिर कुछ टाइम में मुझे फिर एल्बो लेंथ के ब्लाउज पसंद आएंगे सो so, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है जो आपका मूड है वैसा ब्लाउज सिलवा लो एंड दिस इज़

you. <laughs>